जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि यह क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले 5 सालों में कितनी बार ये प्रश्न पत्र में आया है। हम किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन है मापन, आकलन और मूल्यांकन। इन तीन शब्दों को याद रखिए, क्योंकि इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर आप एग्जाम्स में जाएंगे तो इन तीन शब्दों से कंफर्म आपको प्रश्न मिलने हैं। अब प्रश्न कैसे मिलते हैं वो भी बहुत ही साधारण है। एक सिंपल सा प्रश्न है, मापन और मूल्यांकन में अंतर, या आकलन और मूल्यांकन में अंतर। ये दो प्रश्न याद रखिए, आकलन और मूल्यांकन में अंतर, मापन और मूल्यांकन में अंतर, ठीक है। और ख़ास तौर पे आपको ये प्रश्न तो याद ही रखना है, मापन और मूल्यांकन में अंतर बहुत बार पूछा गया है पिछले 5 सालों में। मैं अभी आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। एक और प्रश्न आपको मैं बता दूँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन। मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि मैं बात कर रहा हूँ अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की, जिसमें ये सारे प्रश्न आए हैं। तो दो प्रश्न कौन कौन से हैं, मापन और मूल्यांकन में अंतर, अथवा आकलन या मापन में मूल्यांकन में अंतर, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसके बारे में व्याख्या करिए। तो ये सिंपल सा प्रश्न हो गया, मापन और मूल्यांकन में अंतर, और दूसरा सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताना है। ये वो दो प्रश्न हैं। अब आइए देखते हैं कि कितनी बार पूछा है और कैसे प्रश्न पूछा है और कितने नंबरों में प्रश्न पूछा है। तो कहाँ से शुरुआत करें, 5 साल पहले चलते हैं, शुरुआत करते हैं 2017 से। आप यकीन करें 2017 में यह प्रश्न 10 नंबर में पूछा गया था। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, आकलन एवं मूल्यांकन का अर्थ बताइए कि आकलन और मूल्यांकन होता क्या है, और मापन और मूल्यांकन में अंतर बताना था। 2017 के 10 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 2018 की बात करते हैं कि 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो कैसे पूछा गया था, माफ़ करिएगा, 2018 में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यह प्रश्न बस 1 नंबर में पूछा गया था। वो ये था कि व्यापक मूल्यांकन को परिभाषित करिए, ठीक है। बस इसी प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया था कि व्यापक मूल्यांकन को परिभाषित करिए। मैंने कहा ना सतत और व्यापक, तो व्यापक के बारे में यहाँ पे पूछा गया था 2018 में। 2018 में इसे सवाल कम बने थे, लेकिन अब आगे देखेंगे 2019 में कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ी सी ताज्जुब होगी कि 2019 में यह प्रश्न 7 नंबर में आपसे पूछा गया था कि मापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए, 7 नंबर में। और 7 नंबर में एक और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या करिए। तो 2019 में 14 नंबर में यह प्रश्न आया, 14 नंबर्स में, कि मापन और मूल्यांकन में अंतर और सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में व्याख्या करना था। अब बात करेंगे 2019 में, तो 2019 में देखें कैसे प्रश्न पूछा गया था। 2019 में 1 नंबर में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताना था, इसकी परिभाषा या अर्थ, केवल व्यापक मूल्यांकन करके 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया था। और आपसे पूछा गया था 8 नंबर में, आकलन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चंस को कितनी बार पूछा जा रहा है। तो 2019 में आपसे 9 नंबर के टोटल प्रश्न आए थे। ओके दोस्तों, तो देखते हैं कि पिछले साल ये प्रश्न कितने नंबर का आया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न सेक्शन सी में आया था 15 नंबर में, और सवाल कैसे पूछे गए थे, एनी गेसेस, एग्जैक्टली सवाल ऐसे पूछे गए थे कि मूल्यांकन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशंस, मूल्यांकन के महत्व बताना था, और मूल्यांकन और मापन में अंतर बताना था। तो पिछले साल 2021 में यह 15 नंबर यानी कि सेक्शन सी में सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार रिपीट हुआ है। मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर की बात की जा रही है, इनके अर्थ, इनके महत्व, इनकी विशेषता की बात की जा रही है, और दूसरा सवाल सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ आप इसको स्किप मत करिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले इन दोनों प्रश्नों को ज़रूर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जरा 1 मिनट रुक जाइए, मैंने अपने चैनल पे इस थंबनेल के साथ एक वीडियो बनाई है जिसमें डिस्कस किया गया है कि व्यापक और सतत मूल्यांकन क्या होता है, और साथ ही साथ इस थंबनेल के साथ एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, बिल्कुल आम शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, अपने शब्दों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप मेरी वीडियो से समझ में ना हो तो किसी से भी हेल्प लेके आप प्लीज़ इन दो प्रश्नों को ज़रूर पढ़िएगा, आपने देखा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इन दोनों वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप देखेंगे तो मुझे खुशी होगी, आप वहाँ पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और हाँ,
इस वीडियो के बारे में भी कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। दोस्तों मैं ऐसे ही रिसर्च लेके आपके पास आता रहूँगा कि कौन से प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि उस राय से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और वीडियोज़ बनाता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप प्लीज़ पढ़िए सतत और व्यापक मूल्यांकन, मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर, इन दो प्रश्नों को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।